इस चैनल पर दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से एक बार स्वयं मिलें, अन्यथा उससे हुई किसी तरह की असुविधा के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। वेलकम टू एफएसए एंटरटेनमेंट। आई एम इन वडाला विद अलमीन भाई। अस्सलाम वालेकुम अलमीन भाई। वालेकुम सलाम। अलमीन भाई के सेटअप के करीब हूँ मैं। इनके सेटअप का नाम है अलमीन एक्सोटिक गोट्स। कितने साल से शौक कर रहे हो आप? अराउंड हो गया 3 साल। 3 साल, 3 साल। और फर्स्ट टाइम आ रहे हो यूट्यूब पे? यस, फर्स्ट टाइम। और क्या वजह है कि यूट्यूब पे फाइनली आना पड़ा? फाइनली भाई, मेरे पास मेरा ब्लैक सानेन है, जो कि मेरे को स्पेशली आपके चैनल पे ही अपलोड कराना था। अच्छा, इसके लिए इतने टाइम से आपसे वेटिंग पे भी चल रहा था भाई। मैं एक्चुअली फाइनली आपसे मुलाकात हुई। मैं बोलना चाहूंगा कि भाई इन्होंने, इनके फ्रेंड है एक, नाम ले सकता हूँ मैं, सादिक भाई। बहुत समय से मेरी बिल्डिंग के सेक्रेटरी तक के आ गए। बोले भाई फाद भाई का नंबर दो। मेरे भाई से भी कॉल आया, मैं बोला फाइनली इनका करता हूँ। जब इन्होंने मुझे फोटो भेजी ब्लैक सानेन की, आई जस्ट कुड नॉट रेजिस्ट बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने शूट नहीं किया हूँ। ये है ब्लैक सानेन गोट। नाउ लोग तो कई तरह की बातें करेंगे, भाई सानेन जो है व्हाइट होते ना, ये होते। मैंने दो कलर के शूट किया हूँ, एक व्हाइट सानेन शूट किया हूँ और एक साउथ मास्टर के पास आई थिंक ब्राउनिश बेज कलर का एक आया था, वो मैंने शूट किया था जोगेश्वरी में। ब्लैक कहाँ से आ गया भाई? ये कैसा ना, आपने एक पुणे में है गोट फार्म वाले, अपना एजाज भाई, ओके, उनके पास दोनों बच्चे आए थे, तो उनसे क्या अपना रिलेशन बहुत ज्यादा खास है, तो उनको पता है मेरे को ऐसी सब चीजों का कलेक्शन करना रहता। तो दोनों के दो बच्चे हैं, एक ये और एक इसका सातवां वाला भी, ओके, दोनों को मैंने लिया था, हो गया। अभी ये 4 दांत पे है। ना लोग कहेंगे कि भाई काला कलर लाने के लिए डेफिनेटली थोड़ा मिक्स एंड मैच किया होगा किसी, बिना मिक्स एंड मैच भाई, क्योंकि सानेन की प्योरिटी, उसका मेन जो सानेन ब्रीड है वो व्हाइट है, प्योर व्हाइट, वो व्हाइट है। बट अपने को उसको थोड़ा ऐसे कलर निकालने के लिए क्रॉस करना ही पड़ता है। बट मेजोरिटी जो फीचर्स आए हैं वो सानेन के है। पूरा टोटल देखो ना, सिंग देखो, स्ट्रक्चर देखो, और इतना हैवी है ना वो, और माशाल्लाह बहुत रुबाब वाला है और इतना अग्रेसिव है, इसके पीछे जाके शूट करना बहुत डिफिकल्ट है, कोई छू भी नहीं सकता। मैं इनको बोल रहा था कि भाई मैं जो टिपिकल पीछे वाला शॉट लेता हूँ, बकरे की कमर मटक मटक के आती है, आई जस्ट कुड नॉट डू इट विद दिस गोट। पलट के दे देगा बहुत बहुत आड़ी, सानेन जाने आड़ी के लिए जाते हैं वो लोग, साइड से ऐसा मारते हैं ना जी। और ये हाथ इसीलिए रहा है क्योंकि हमने काफी दौड़ा है इसको। मेरे बकरों को क्या ना भाई, मोस्टली चलने की आदत नहीं रहती। मेरे बकरे जगह पे रहते हैं, ज्यादा बाहर अंदर बाहर निकालता नहीं, अंदर बाहर बिल्कुल नहीं करता हूँ। अभी आपके चैनल पे डालना था तो मैंने इधर पे बुलाया था। और माशाल्लाह ऐसा बकरा है कि भाई कैमरा हट ही नहीं रहा। व्हेन यू कीप सच ब्लैक गोट्स इन सनलाइट एंड वो जो शाइन आती है, इट्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। आई हैव नॉट सीन अ गोट लाइक दिस बिफोर। गोट पे शाइनिंग है, सिंग है, शाइनिंग भाई, शाइनिंग के लिए भी ना भाई बहुत ज्यादा तैयारी करना पड़ता है उसको। फॉर इंस्टेंस क्या करना पड़ता है भाई? अभी अपने को मल्टी स्टार रेगुलर एलो को चलता है, और वो भी डेली का 40 ml मल्टी स्टार हर बकरे को मिले जाते हैं। 40 ml क्या होता लोग है? 10 ml देते हैं भाई। स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बोन्स के लिए अच्छा होता है, और जो बकरों में शाइनिंग होती है ना उसके लिए बहुत अच्छा होता है मल्टी स्टार। ओके। और वो मेरा 1 लीटर की बॉटल 990 की आती है, 990 रुपए की, वो मेरा हफ्ता भर भी नहीं चलता। ओके। तो ये जो इतना खूबसूरत सा बकरा है, डू यू वांट टू सेल इट ऑफ? शौक पूरा हो गया? कैसा ना, शौक तो मेरा है, बट मेरे को ना अभी दूसरे भी बकरे लाने हैं, तो ये तो मैं एकदम बचपन से ही रखा था, एकदम छोटे से ही मैंने लाया था। बट अभी कैसा ना, अगर सही रेट मिलेगा तो निकाल दूंगा। ऐसा कोई शौक वाला जिसको समझ में आता है कि चीज क्या है, वही कॉन्टेक्ट करे तो बेहतर है। तो क्या हम रेट बता सकते हैं क्या? रेट डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ये सब क्या है, एक्सपेंसिव चीज है, पहले बोल दूंगा। तो ऐसे लोग कॉल ना करे जिनका बजट लो है। Okay, ये डेफिनेटली एक्सपेंसिव है, I'm sure. मिलता नहीं है ना, मिलता नहीं है। एनीथिंग रेयर एंड एक्सोटिक हैज टू बी एक्सपेंसिव। आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि भाई मेरे चैनल पे आता है तो महंगा ही आता है, लोग बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। चीज देख के लो, अच्छी चीज की कीमत लगती ही लगती है। अभी आप वीडियो डाले, वीडियो पे कोई भी जाहिर सी बात है इतना इन्वेस्ट करेगा वो आगे पहले चेक करेगा। एब्सोल्युटली चेक कीजिए। वैसे है कितने दांत पे? ये 4 दांत अभी किया है भाई, महीना भर हुआ 4 दांत करके इसको। ओके, और नाम क्या रखे वैसे? जमन। जमन नाम है। जमन। ओके, कितने महीने से अपने पास है ये? अपने पास अराउंड 2020 में लॉकडाउन में ही आया मेरे। तो ये 2 साल हो गया? 2 साल हो गया इसको। चार... बचपन से 4 दांत ही किया, एकदम बचपन से था। 2 साल में 4 दांत करता है? 2 साल भी पूरा नहीं हुआ था मेरे ख्याल से। पूरा नहीं हुआ, खाउटी वैसे रखना पड़ता है, खिलाओ पिलाओ वैसे रखो ना, तो दांत बकरे स्लो करते। लोग क्या, अनाज ज्यादा खिलाओ और घास और पत्ते जो बांध दो ना, बकरे जो चीज खींचते ना पैसे से दांत, तो दांत जल्दी करते। चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, बकरा दौड़ता है कुछ भी नहीं। दी ओनली थिंग, बकरा हाफ इसीलिए रहा है बिकॉज दौड़े। और मैंने कहीं तो पढ़ा था कि भाई सानिन बकरों को कम से कम धूप में रखना चाहिए। उसमें मैं ये कह रहा था कि भाई सानिन बकरे को धूप में नहीं रखना चाहिए, करेक्ट? कोई भी बकरे को धूप में मत रखो भाई। बकरा धूप में रहेगा चलो आधा 1 घंटा ठीक है, सनलाइट दिखाना जरूरी है बकरे के लिए,
अब कोई कोई क्या ना भाई, सुबह से लेकर रात तक बकरा उनका बंधा रहता है बाहर। जी जी, जो कि ठीक नहीं। हमने इसीलिए रखा क्योंकि भाई हमें बताना था कि बकरे में एक्चुअली ब्यूटी और शाइन कितनी है। हम ज्यादा समय तक ये नहीं रखेंगे। क्या नाम बताया आपने? जमन। जमन, अच्छा ये बताइए सानन पालने में आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? भाई सानन सबसे मेन तो ना भाई बहुत ज्यादा सेंसिटिव। अच्छा, सानन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव किस मामले में? सेंसिटिव भाई, इन लोग को ना ज्यादा खिला दो तो थोड़ा पेट में तकलीफ। अच्छा, गैस्ट्रो का थोड़ा वो इश्यू आ जाता है, गैस का। ये सब इश्यूज बहुत होते हैं सानन में। ये मेनली हिली एरियाज के हैं। हिली एरियाज, हालांकि अभी तो बॉर्न इन इंडिया है। हाँ, हाँ। लेकिन ओरिजिन जो है वो तो स्विट्जरलैंड ही है। ओरिजिन तो वही है, स्विट्जरलैंड ही है। स्विट्जरलैंड के और यहाँ के फर्क कितना होता है ना इंडिया। तो इनमें क्या है, ठंड में अच्छा वजन पकड़ लेते हैं और गर्मी में थोड़ा भारी पड़ता है। गर्मी में स्लो रहते हैं क्या? ये लोगों को गर्मी सूट ही नहीं होती ना भाई, ज्यादा गर्मी सूट ही नहीं होती। ये लोग को जहाँ रखा हो ना भाई, जो सेटअप में इतना बड़े वाले ब्लोवर तीन लगाए हो, तीन ब्लोवर लगे इतने बड़े बड़े, अंदर चले जाओ तो चारों तरफ उड़ते रहते। तो गर्मी में ये तो ट्रिम दी है, जरूरी है ट्रिम करना पड़ता भाई। कैसा ना मेरा सेटअप कैसा ना, एक पूरा पैक जैसा है अपना, उसमें थोड़ा हीटिंग होती है। ओके, बट थोड़ा हीटिंग भी ये लोग के लिए जरूरी है। ओके, जिस हिसाब का मौसम है। जी, कोई अगर आपका बकरा खरीदता है और अपने पास रखता है तो उसको क्या क्या खिलाना चाहिए? कोई अगर घर पर पालता है, फार्म पे खिलाता है तो इसे डिफरेंट क्या खिलाता है उसका तो मैं नहीं बोल सकता। मेरा नहीं, आपको आपके बकरे को कोई यूज टू होगा ना कि ये डाइट है, इसकी डाइट बताइए क्या। सुबह में मैं सबसे पहले सुबह में घास बांधता हूँ, घास के बाद चना जाता है। सॉरी, क्या घास? घास, हाँ, बरसिंग जिसको बोलते हैं। बरसिंग, हाँ, बरसिंग घास बांधता हूँ, फिर चना डालता हूँ। ओके, दोपहर में आप हरी पत्ती, फिर तूर भूसा, तूर भूसा के बाद में शाम में मक्का और जौ, अभी फिलहाल गेहूं है ठंडी की वजह से, जो हटा दियो, और फिर रात में लोगों चुन्नी और फिर घास जाती है। ओके, तो काफी है ऑन एन एवरेज एक बकरे पे। मैं जब फार्म पे वीडियो बनाता हूँ, लोग 3,000, 3,500, 2,500 बकरे की पलाई लेते हैं। जब कमेंट आती है लोग बोलते हैं भाई महंगा है, महंगा है। आप बताइए, आप तो घर पे इट्स लाइक एक घर ही हो गया ना, 5-6 बकरे पाले हो आपने। हाँ। तो आपको पर मंथ कितना खर्चा आता है एक बकरे पे? बहुत है भाई, मतलब मेरा अभी मैंने लास्ट मंथ का जो हिसाब निकाला हूँ ना, मेरे समझो ना 7 बकरे टोटल, 7 बकरों पे मैंने 19,000 रुपए का मेरा मंथ का एवरेज आया। 7 बकरे पे 19,000 रुपए का। क्या भाई, लोग में मल्टी स्टार वगैरह कॉस्टली पड़े। एक बकरे का कितना हो गया फिर? एक बकरे का डिवाइड कर लो अभी। मेरा तो मैथ्स बहुत पुअर है, आप पैसों में खेलते हो तो आप तो बता दोगे फट से। 21 डिवाइडेड बाय 7.3 होता है, फिर भी आपको सस्ता पड़ता है ना ये। 2700 बट वही हो जाता है। आप भाई वो तो मैं खाली फार्म पे पालो है, यहाँ पे पालो है ना, फार्म वाला इतनी बड़ी जगह रखा हुआ है। दिस इज विदाउट मेडिसिन ना, विदाउट मेडिसिन। बीच में कोई बीमार पड़ गया, बीमार पड़ गया तो अलग। जो रेगुलर है ब्रोटोन मल्टीस्टार वो सब इंक्लूड है इसमें, बट जो मेडिसिन है वो इंक्लूड नहीं, वो तो कभी कभी बकरे पड़ते हैं। और जो है इन्होंने लाइट का बिल नहीं बताया, इन्होंने लेबर कॉस्ट नहीं बताया, इन्होंने जो आपका भाड़ा है वो नहीं बताया। अगर वो सारा इंक्लूड कर दिए तो इट्स क्वाइट एन एक्सपेंसिव अफेयर। शौक है भाई, शौक के आगे कुछ भी वो नहीं लगता। चलो ठीक है, शौक हो रहे बहुत। ये मैदानी जंग में जाता है भाई? अभी तो करा नहीं, मेरे बड़े भाई है सरफराज घोटी भाई, तो वो मैदानी जंग में उतारते हैं। वो है मेरे बड़े भाई, तो उनका क्या कहना है, वो मैं उनको बोला कि अभी कुछ करते हैं तो बोले कि अभी नहीं। तो लेकिन हम लोग प्रमोट नहीं करते, नहीं वो चीज गलत है भाई। मैं एज अ शौक के तौर पे रखा हुआ हूँ बस, और कुछ नहीं। बाकी इनका नेचर तो गर्म होता ही है, so ये बोलूंगा। सो बेसिकली यू डोंट प्रमोट एनी सॉर्ट ऑफ फाइट, शौक के तौर पे पालो, जानवर को खिलाओ, एब्सोल्युटली तकलीफ नहीं अच्छी चीज है वो। बहुत सही बात है, बहुत अच्छी सोच है। ये वीडियो में हम आपके सारे बकरे बता देंगे, एक लंबी वीडियो बनाएंगे। पहला है सानन, कुछ अप्रोक्सीमेट रेंज बता दो कि इतने में मिलेगा या इसके ऊपर मिलेगा। अबाउट 90, अंडर 1 लाख बता ही दिया ना फिर तो प्राइस। हाँ, बस अब उसके अंदर में है तो नहीं, इसको कैसा ना भाई, कैसा ना लोग कॉल्स करते हैं कि भाई इतने कितने में है, कितने में, तो इस अंदर है तो इसके अंदर पे जिसका बजट है वही कॉल। अभी जब आपने ये सानन बेचने के लिए निकाल दिए, क्या इसका ब्रीडिंग ले ली हो आपने, बच्चा ले निकाल लिया? एक ही फीमेल पे लिया क्योंकि ब्लैक फीमेल भी भाई जल्दी अवेलेबल होती है। और व्हाइट से क्रॉस करे तो कैसे निकला, रिजल्ट देखना पड़ेगा सर। वही, हाउ वाज द रिजल्ट? अभी फिलहाल नहीं है, अभी लोड है, 2 महीने में जाएगा मेरा इसका। व्हाइट से नहीं है मेरी, एक्चुअली ब्लैक है, बस उस पर हल्का सा एक स्पॉट है। सानन ब्लैक फीमेल भी है आपके पास? भी है, वो भी, ये तो के तो कान थोड़े बैठे, उसके कान एकदम सानन के आए जैसे इसके कान है, तो हाँ, बस उस पे एक हल्का सा इतना सा व्हाइट स्पॉट। इसके कान थोड़े अलग ही है ना, कान खाली सानन वाले नहीं आए, की वजह से सानन वाले नहीं आए, बस कान सानन वाले नहीं आए, बाकी सब फीचर्स है। बस वही बोला ना भाई, कैसा ना एकदम प्योर अपन क्रॉस करके नहीं निकाल। जी जी जी, ठीक है। नाम है इसका वंस अगेन जमन है, और ये बेच रहा है। और भाई ऐसे मत करो जुलम, जमन भाई जॉन भाई के साथ है, राइट? जॉन नाम है ना इनका? हाँ, ये वडाला के जॉन है, जॉन इब्राहिम, वडाला के जॉन इब्राहिम।
ठीक है, जॉन भाई के नाम पे मेरे दूसरे बकरे का भी नाम है जॉन। अच्छा, एक जॉन भी आ रहा है, ठीक है। चलिए चलिए जॉन भाई, वैसे ये बकरा जो है बार बार बैठ जा रहा है भाई। बोल रहा हूँ ना आपको कि मेरे बकरे ना मोस्ट कभी नहीं निकलते, नहीं बैठ रहा है, खड़ा हो रहा है, बैठ रहा है, खड़ा हो रहा है। अभी कैसा तो ना, क्या इसको बकरे के साथ में छोड़ दो, पूरा टाइम उसके साथ में रहेगा, लेकिन बैठेगा नहीं। अभी क्या ना, पब्लिक की सबसे अभी रेस्टलेस हो गया, आदत नहीं है। सबसे मेन चीज, मैं जाता हूँ, लड़का जाता है, ये जाता है, खिलाते पिलाते बाहर, पब्लिक की आदत। खूटे पे बांध के रखे उसको, खूटे में, खूटे पे बांधे, खूटे में, ठीक है। चलिए, जमन नाम है इसका, ठीक है, लेके जाइए जमन को, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट गोट। थैंक यू। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गोट, टिपिकल सानन, अ वेरी ब्यूटीफुल वन, और बहुत खूबसूरत सिंग वाला है। अलामीन भाई, ये बच्चा है क्या? बच्चा ही है, अभी जस्ट फ्रेश दो किया, फ्रेश दो दांत किया है। और इसका नाम क्या है? खिलजी। अच्छा, इसका नाम खिलजी है, उनका नाम जॉन है, ठीक है, जॉन एंड खिलजी। आई थॉट दिस वाज जॉन, जमन था। नहीं नहीं, ये वाले बकरे का, ये वाला जॉन नहीं है। अच्छा, हाँ, ये वाला जॉन नहीं, वो बोर है, वो बोर है। ओके ओके, तो ये है खिलजी। खिलजी की डिटेल्स क्या है बिसाइड दो दांत? अभी रिसेंटली दो दांत किया हुआ है ये, अब मैंने ना लिया था अरबाज भाई से, ओके, बगदादी वाले से, तो वो मैंने अपने भाई के थ्रू लिया था उनसे, ओके। तो मेजर है जगदीश काला नाम है जिसका, जो मेन ब्रीडर है, जो इम्पोर्ट सानियन अवेलेबल कराते मुंबई में, ओके। उनका ब्रीडर है मेजर, उसका बच्चा है। सो ये भी इम्पोर्ट ब्लड लाइन का है? इम्पोर्ट ब्लड लाइन का, मेजर का बच्चा है। मैंने दो लिया था, एक और है खड़ी सिंह का है, और एक ही है, दो बच्चे मैंने उनसे लिया था। इसका भी शौक पूरा हो गया ये भी निकालना? निकालना कैसा ना भाई, अपने को निकालने के पर्पज से नहीं कर रहा हूँ, बस सही बस दिखाना है, दिखाना है हमारे को, शौक जिसको समझ में आएगा, जो इसका अच्छा वो देखेगा तभी बेचूंगा, वरना कोई ऐसा वो नहीं है कि मेरे को बेचना है। मैंने इनसे पहले ही पूछा कि भाई अगर आपको बेचना है आप ऐसे ये इन्होंने कहा था मुझे अपने सादिक भाई ने कि भाई मैं FSA के लिए वेट कर रहा हूँ। मैंने बोला भाई होप फॉर द बेस्ट एक्सपेक्ट द लीस्ट। अगर कुछ लोग क्या है पता है, ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वीडियो डालते बराबर बकरा बिक जाएगा, ऐसा पॉसिबल, कोई लोग सोचते हैं वीडियो डालते बराबर 100 बकरे पलाई पे आ जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। ये जिसके नसीब में जो है वो मिले, हम मेहनत, हम अपना एफर्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो डोंट एक्सपेक्ट टू मच बट होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। सिमिलरली यू डोंट वांट टू सेल इट ऑफ, बेचना है, पर्पस नहीं है, बस शोकेस दे देंगे बस, अगर वाजिब पैसे मिले तो। किसी को क्यों लेना चाहिए बिसाइड्स बीइंग एन इंपोर्टेड ब्लड लाइन, और क्या खास बात है ये खिलजी में? इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखो, उसकी सिंग देखो, सिंग तो लाजवाब है, दो दांत जस्ट फ्रेश निकाला, अभी दोनों ऊपर करा, सिंग और बाहर निकलेगी ना, बहुत ज्यादा घूमेगी भाई उसकी, जो बोलते हैं ना, जो मेरे को उसके लिए बोलेंगे ना मेरे को ब्लैक सानियन क्रॉस है ऐसा है वैसे, वो ये देखो, इसको बोलते प्योर सानियन, ये प्योर सानियन है, जिनको ज्यादा ज्ञान देने वाले रहते हैं अपने पास हर चीज रहती है। मेरे पास बिना सर्टिफिकेट का भी बोर ऐसा है जो सर्टिफिकेट वाले बोर को कुछ नहीं समझ, क्या बात है, अच्छा ऐसी क्वालिटी पे। तो इस सानन की अट्रीब्यूट्स बताएं, सानन में क्या रहना चाहिए, कान कैसे रहना चाहिए, जैसे इसके कान, देखो कान ना भाई, देखो जैसे पत्ते खुले रहते बरबरे के, कैसे ना ऐसे रॉकेट टाइप रहते, तो सानन के पत्ते टाइप रहते, तो जितना छोटा रहेगा ना उतना अच्छी क्वालिटी में सानन, ओके, जितना छोटा पत्ते खुले, ओके। इसमें बफ भी बहुत अच्छा आया सामने, इम्पोर्ट लाइन का ना भाई, बफ बहुत अच्छा आया, दाढ़ी अच्छी आई है, दी एंटायर बॉडी स्ट्रक्चर, ये लगता है कि ये महंगा बकरा है,
ये लगता है कुछ सानिन होते हैं, देख के पता चल जाता है, कुछ सस्ते भी होते हैं बट अच्छी क्वालिटी के विल डेफिनेटली 8-10 हजार के भी आते हैं सानिन, आज की डेट में आते हैं सानिन 8-10 हजार के भी, बहुत से लोग यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं। अच्छा 8-10 हजार जैसा बजट नहीं तो बकरे सस्ते हो रहे तो अच्छी बात है ना। अच्छी बस भाई सस्ते हो रहे तो क्वालिटी भी तो सस्ती हो रही ना। अच्छा लेकिन अच्छी क्वालिटी का, वैसे तो देखो कबूतर भी 100 रुपए के भी आते हैं, 1 लाख के भी आते हैं, सो डिपेंड्स आप कौन सी टाइप का टाइप पे जा रहे हो। खिलजी भाई का क्या दाम रहेगा, आपने पहले तो 90 से 1 लाख बता दिया, कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा इसका, सो दिस इज मोर एक्सपेंसिव देन द ब्लैक वन और लेसर है, ये भी समथिंग सिमिलर आसपास की रेंज में, गिव एंड टेक वन ऐसे। ठीक है ओके ओके। अच्छा ये बताइए आपने जो बकरे पाले हो इतने, कितने साल से पाल रहे हो आपका, क्या सीखा खुद बकरे पालने से? भाई यही सीखा हूँ कि बकरों को खुद टाइम देना बहुत ज़रूरी है, वरना बकरे नहीं रखो तो बेहतर है, तुम किसी बंदे के सहारे पे बकरे नहीं छोड़ सकते। अच्छा जो चीज़ आपुन कर देंगे वो बंदा नहीं करेगा, बकरे का जो जितना आपुन समझ सकते बंदा नहीं समझता। कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि भाई आपके बकरे बहुत ही यानी मोर्टैलिटी धड़ धड़ करके बकरे मर गए लाइन से, बीमार हो गए, ऐसा हुआ है? ऐसा कुछ नहीं, बीमार तो कैसा ना, एक अभी FMD चला था ना भाई बीच में, तो मेरे सब बकरे FMD में आ गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबके सबको मैंने रिकवर खुद से ही किया, सबके सब रिकवर हुए। तो सो जब नए बकरे पाले थे आपने, सो ऐसा डर नहीं था बकरा बीमार होगा तो क्या? भाई मेरे जो बड़े भाई है ना गोटी भाई, वही है मेरे फेमस है वो साइड में, सभी जानते हैं, बहुत पुराने शौकीन है वो, मैं छोटा था जब से उनके बकरे मैं देख रहा हूँ, मैं पाल रहा हूँ। आप रहते यहीं पे वडाला? मैं रहता यहीं हूँ, पहले मदनपुर में रहता था। ओके, और आपका कोई तो बताता दुकान जोगेश मेघर के पास ही है? हाँ, वैशाली नगर में। अच्छा वैशाली नगर में, किस चीज की शॉप है आपकी? किड्स वेयर की शॉप है। किड्स वेयर की है, बहुत बढ़िया। तो बहुत डिफिकल्ट होता होगा टू एंड फ्रो करने के लिए ना, है टाइम दे नहीं पाते हो कि दुकान पे बैठोगे या बकरों को देखोगे? रात में टाइम मिल जाता ना, मेन प्रॉपर होता है या तो मॉर्निंग में पूरा देख लो या तो रात। कभी आपने सोचा कि भाई बकरे तो पालना है लेकिन मैं फार्म पे पालू? नहीं भाई ऐसा नहीं, अभी रिसेंटली ये जो मेरा दूसरा वाला एक सानिन है ना, इसका जमन का जो भाई था, उसकी ना कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उसके मोशंस रुक गए थे 15 डेज तक, उसने मोशंस किया ही नहीं। अच्छा, मैंने ऐसा कोई उस्ताद नहीं है पूरे मुंबई का जिसको मैंने बताया नहीं, जिसका मैंने नुस्खा नहीं ट्राई किया, जिसका मैंने देसी से लेके विदेशी सब इलाज ट्राई किया, बट जो अभी हमारे जॉन भाई थे ना ये बैठे हुए, इनका पता नहीं संडे वाले दिन इनका कौन सा दिमाग चला, ये लाए हाजमोला खिला दिए बकरे को, और उसके बाद में बकरा 4 दिन तक का कंटिन्यू पूरा पेट साफ, और मैं तो सोच लेता बकरे पे सल्ला फिराना पड़ेगा। अभी सारे बकरे वाले हाजमोला की दुकान है, ऐसे नहीं है भाई, ऐसा कोई सा इलाज नहीं था देसी विदेशी जो मैंने उस पर ट्राई नहीं किया था। भाई जो भी है आप प्लीज कंसल्ट योर वेटनरी डॉक्टर, नहीं तो सब लेके हाजमोला खिलाएंगे, नहीं हुआ तो बोले भाई अलमीन भाई ने सबको बोले। डॉक्टर है, एक डॉक्टर कालेकर है अपना परेड हॉस्पिटल में जो कंसल्टिंग करते हैं जानवर, डॉक्टर कालेकर फेमस है वो भी, और एक मेरे यहाँ तो उन्होंने डायग्नोस करके क्या बोला, क्या टोटल टोटल बोले, देखो एक्सरे वगैरह सब दिए, बोले गैस है गैस, एक्सरे तक हुआ, सोनोग्राफी का इसका अपॉइंटमेंट ले लिया मैंने तो, लेकिन बोले गैस है गैस है, फिर सोनोग्राफी का मेरा मंडे का अपॉइंटमेंट था, और सोनोग्राफी के बाद अगर कुछ निकलता तो सर्जरी कराना था मुझे। ओके ओके, बट संडे को ही इसने पूरा क्लियर कर दिया संडे से। तो ऐसे भी हो सकता है, दवाई तो खिला रहे होगे ना आप, तो शायद दवा खिला रहे, दवा असर कोइंसिडेंटली तब करी होगी जब आपने हाजमोला दिया। मैंने ना फ्राइडे से ही इसका सब कुछ करना बंद कर दिया। ओके, अब लगता है मतलब इतना दिन तक का बकरे का पेट नहीं साफ हो रहा तो बकरे में अंदर से बहुत ज्यादा तकलीफ में हो जाता है, पेट इतना फूल गया था उसका। अच्छा, तो मैंने हर देसी जितने डॉक्टर हैं सबको कंसल्ट किया, जितने उस्ताद हैं पुराने सबसे कंसल्ट किया, सबने क्या क्या तो भी बोले, मैं क्या क्या नहीं किया उसके लिए। इनको हाजमोला की कहाँ से सूझ गई, उनको किसी से सुना? ठीक है, वंस अगेन वी डोंट से कि भाई वो इलाज है उसका, ना तो FSA एंटरटेनमेंट ये चीज को आपको करने बोल रहा है, ना तो ये वेटनरी डॉक्टर, ये शायद हो गया होगा, तुक्का लग गया होगा, तुक्का लग गया होगा, अंदर क्या चल रहा है इसके जिस्म में अल्लाह जाने। ठीक है, सब लोग हाजमोला पे डिपेंडेंट मत रहो, वी आर नॉट प्रमोटिंग हाजमोला, डॉक्टर्स मेडिसिन इज रिक्वायर्ड, ये अपना एक्सपीरियंस बता रहे, इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। खिलजी नाम है इसका, बेचना है जिस किसी को भी लेना है। वैसे कितने किलो पे होगा ये? अपने को देखो अंदाजा तो है नहीं, अराउंड ये 45 तक रहेगा, और वो वाला जो काला वाला था वो 70 का होगा ना, अप्रोक्सीमेटली 70-75 होगा इसमें। हाँ, आराम से माशाल्लाह बकरा है। ठीक है, चलिए दूसरा बकरा निकालते हैं, खिलजी को रवानगी दीजिए।
चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गोट, येट अगेन अ सानेन गोट, अलमीन भाई, ये भी उसी क्वालिटी का है, ये उससे अच्छी क्वालिटी में बोलेंगे। क्या बात कर रहे हो, हाँ लेकिन वो एक्चुअली बड़ी उम्र का है शायद इसीलिए बन के आया है। क्या तो ये इतना बीमारी में आ गया था ना भाई, पर इसकी लेंथ वैसी नहीं है ना, नहीं है इसकी लेंथ वैसी, बीमारी में आ गया था ना भाई, बोल तो रहा हूँ इतना दिन ये ना बीमारी के बाद में मैंने फौरन। अच्छा ये वो हाजमोला वाला है, हाजमोला वाला ही है। अच्छा क्या नाम है इसका, सीरियस, इसका नाम है सीरियस और उसका नाम है जॉन, जॉन बड़ा लगा जॉन, ठीक है। सीरियस के बारे में बताइए, कितने दांत पे सीरियस भाई? ये 6 कर रहा है अभी, ये 6 कर रहा है, देखो वो इतने बड़े उस पे भी 4 है अभी उसका फ्रेश महीने पर पहले, और ये 6 कर रहा है, तो बीमारी की वजह से बकरा दांत पे मेरे ख्याल से हार्डली 40-42 किलो का होगा, 40-42 किलो का होगा। बीमारी जैसी ठीक हुई ना इसकी, मैंने इसको भेज दिया शाहरुख भाई इसके गोट फार्म पे। ओके ओके, हाँ ये अभी दो हफ्ते पहले लाया हूँ मैं। ओके, शाहरुख भाई के यहाँ भेज दिया था, उन्होंने बहुत अच्छा 24 kg बचा था ये, तो शाहरुख ने अच्छा फिर पलाई किया, 16 kg उन्हें गेन कर दिए, 16 kg वेट गेन करे उन्हें अराउंड 3 to 4 months। तो अभी ये भी बेचने निकाले हो आपने? हाँ ये बेचने निकाले भाई, ये जो है ना, ये अगर कोई ना किसी के पास ब्लैक फीमेल है, मैं तो इतना ज्यादा छान डाला हूँ मेरे को फीमेल मिल ही नहीं रही है प्योर ब्लैक, अगर किसी के पास है तो ब्रीडिंग के लिए बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ। मैं गया था आपको एक फार्म पे, वो लोग उस्मानाबादी से भी बोल को क्रॉस करते हैं काले में। नहीं भाई उस्मानाबादी मेरे को वो सब ब्रीड में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो सब नहीं नहीं क्रॉस करेंगे तो थोड़े बहुत फीचर्स मैंने देखा हूँ, मैंने कल एक वीडियो उस्मानाबादी का तो कोई वही नहीं है भाई, कैसा होता है ना कोई कोई जो होती है ना बर्बरी ब्लैक बर्बरी होती है, तो लोग मोस्टली ना ब्लैक सानेन जिसके भी पास रेयरली होते हैं तो वो लोग क्योंकि फीमेल अवेलेबल ही नहीं हो पाती तो वो लोग ना बर्बरी से क्रॉस कर देते हैं। ओके, उसमें बच्चे का जो स्ट्रक्चर बहुत छोटा आता है बर्बरी की वजह से। ओके, बर्बरी की जो ब्रीडिंग होती है ना बर्बरी में जीन जो है ना वो फीमेल का ज्यादा आता है, मेल से ज्यादा फीमेल का जीन आता है बच्चे में बर्बरी में, ऐसा तो लोग मेल के एकदम दीवाने हैं कि भाई बाप की जैसा निकलेगा वैसे नहीं, मदर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इंपॉर्टेंट है भाई, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल मदर एक्चुअली हर एक उसमें। मैं घोड़े के मेले कवर करता हूँ, मैं जब पूछता हूँ भाई कितना इंपॉर्टेंस है घोड़ी का, जब कोल्ट वगैरह फोल होता है, बोले घोड़ी का 70% रोल है, जाहिर सी बात है ना, पूरा इतना टाइम तक का जो 6 महीने का प्रेगनेंसी प्रोसेस होता है वो फीमेल के ही जीन्स आती रहेंगे, ज्यादा फीचर्स जो कोई कोई जो स्टड लाइन वाले होते हैं वो शायद अपने पे ज्यादा निकालते हैं, वेरी रेयर, बहुत रेयर होता है, माँ के ऊपर ही बच्चे हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। इसका नाम क्या बोला आपने, सीरियस? सीरियस कोई वजह से सीरियस नाम है क्या? क्योंकि सबसे कम अग्रेसिव मेरे को ये लगा, फैन हूँ बहुत बड़ा हैरी पॉटर का, और उसमें जो सीरियस ब्लैक, सीरियस ब्लैक नाम है, सॉरी सीरियस ब्लैक, सीरियस ब्लैक, सीरियस ब्लैक उसका बहुत ज्यादा, उसका सोच के ही मैं इसका रखा था, ठीक है। तो मैंने एक और पकड़ा था, वो था बोर बड़ा वाला, ओके ओके, उसका नाम मैंने हैरी रखा था उसको निकाल दिया, बहुत बढ़िया। हैरी पॉटर के फैन कौन नहीं है, रियूनियन जरूर देखिए अमेज़न प्राइम पे, ठीक है, मैंने भी देखा हूँ, ठीक है। बताए और कितना मांग रहे हो इसका? इसका भाई इसका तो 50 तक का, 50,000 50,000। लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है अभी भी नहीं, जो भी जैसा भी चेक करना है ना, मैं लड़ाई ऐसा प्रमोट नहीं करता, बट मोस्टली लोग नहीं नहीं वैसे ही नहीं, हम तो लड़ाई प्रमोट नहीं, मैं से एवरीथिंग जो आते हैं ना वो चेक कर, नहीं वो चेक करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके डाइजेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ, एकदम प्रॉपर अभी प्रॉपर प्रॉपर हमें जो लीथ करता है वो प्रॉपर करता है कि भाई जुलाब टाइप का है, प्रॉपर चुन्नी हजम होने में बहुत ज्यादा भारी पड़ता है, चुन्नी बहुत हैवी पड़ जाती है, बराबर चुन्नी उठा रहा है रोज रात में, और एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ मैं अपने हाथ से। आपने रियलाइज किया जो हो गया था, जो जाम हो गया था, तो कुछ खिला दिया था आपने ऐसा कि आपको बाद में रियलाइज हुआ मुझे ये नहीं खिलाना चाहिए? भाई कैसा ना, एफएमडी हुई थी तो एफएमडी में कैसा इसके मुँह के छाले थे, बुखार था, और मुँह इधर करो उसका, जॉन भाई खाली खुद को बता रहे हैं, जॉन भाई बकरा भी बताओ। एफएमडी में ना भाई इसके थोड़ा छाले वगैरह आ गए थे, तो मैंने ग्लिसरीन ना मतलब जो भी आ रहा था लड़के जो संभालते बकरा जो भी आ रहे थे वो लोग इसके फेस मुंह पे ना ग्लिसरीन लगा रहे थे, तो मेरे को डाउट है, ऐसा कंफर्म नहीं है, डॉक्टर ने भी बोला नहीं उसकी वजह से नहीं होगा, बट मेरे को डाउट है कि वो ग्लिसरीन की वजह से हो सकता है। खाने में कोई चेंज लाया था आपने? खाना सबसे खाना जो रेगुलर चल रहा था वही रेगुलर ही डाइट रहती है। आपका शक है कि ग्लिसरीन जो है वो मेरे अकॉर्डिंग तो वैसे ही लग रहा है, क्योंकि जो इसने करने के बाद जब तो इतना क्वांटिटी में लोग आते थे घड़ी-घड़ी आके ग्लिसरीन लगाते थे मुंह में, ग्लिसरीन से कैसे ना बकरों का जो छाला है वो जल्दी रिकवर हो जाता है, और बाकियों का हो गया था बस इसका नहीं हो रहा था। अच्छा, बाकी मेरा टोटल बकरे एफएमडी में आए थे सब ठीक हो गए थे, बस यही ठीक नहीं हो रहा था। ओके ओके, प्रॉब्लम ही हो गया, ठीक है। ये सानेन है ना भाई, उसमें तो झेलना पड़ता है, मैं यही बोलूंगा सानेन में बहुत ज्यादा झेलना पड़ता। अच्छा कौन सी ऐसी ब्रीड है एग्जॉटिक में अगर आपको रैंक करना होगा 1 2 3 4 5
Which is your most favorite and which is your least favorite exotic goat? मेरे first पे तो भाई सानेन है. सानेन है. फिर? Second पे तो बोर ही रहेगी. Okay. और मेरे last पे मैं बर्बरे को रखता हूँ. बर्बरे you don't like? बर्बरे में मजा नहीं आता. बर्बरे. हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं बर्बरे को टॉप पे रखेंगे. मेरे पास ना भाई अभी ब्लैक ऐसी ब्लैक था ब्लैक और हल्का सा स्पॉट था उस पर भाई. वो ना भाई 6 महीने का था उसकी सिंग इतनी बड़ी थी. कोई ऐसी निकाल दिया मैंने और उसको जिसको भी निकाला वो बहुत अच्छा पैसा दिया. जो एग्जॉटिक वाले हैं आई एम श्योर आप लोग इंटरनेशनल वीडियोस वगैरह देखते होंगे. कोई ऐसी ब्रीड जो आप चाहते हो कि इंडिया में आए? इंडिया में भाई मैं वही मेरे को मोस्टली जो है ना पाकिस्तानी ब्रीड नहीं तो मेरे को टॉगनबर्ग प्योर इम्पोर्टेड टॉगनबर्ग. ये इंडिया में आया हुआ है ना मेरे ख्याल से बॉम्बे में आया अरबाज भाई के पास है. ओके. उससे भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज में टॉगनबर्ग आते हैं जो प्योर स्विट्जरलैंड में ही होते हैं. तो आप कब ला रहे हो? कब बुला रहे हो हमें शूट के लिए? इंशाल्लाह अभी अरबाज भाई से बात चाहिए. बट इंपोर्ट ऑफ गोट्स आर अलाउड नाउ ना? अलाउड है लीगली. बहुत लंबा प्रोसेस है. प्रोसेस बहुत लंबा है. वहां की गवर्नमेंट से अपने को परमिशन लेना, यहां की गवर्नमेंट. और मैंने सुना यहां पर जब आए तो उसको काफी दिनों तक के क्वारंटाइन करते हैं गवर्नमेंट फैसिलिटी में. डायग्नोस होता है भाई, पूरा स्कैनिंग होती है उसकी. इंपोर्ट में बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस है. तो इनमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वगैरह और नहीं चलता है क्या? नहीं होता. Let's hope that comes Togenberg और FSA पे आए किसी दिन. नहीं अभी कैसा ना इम्पोर्ट का तो अभी पॉसिबल नहीं है. बट अरबाज भाई से थोड़ा है बात चल रही है. उनकी ब्रीडिंग चालू है. बाबा उनका है ना बहुत जबरदस्त है उनका वो Togenberg. आप किन की बात कर रहे हो? जो तबेला जो है वहाँ पे बगदादी गोट पटगा की बात कर रहे हो ना? तबेला रेस्टोरेंट है. मैं गया हूँ वहाँ पे. मैं गया हूँ इमरान भाई जेडी गोट फार्म के साथ ही गया था. वहाँ पे हम देख रहे थे बहुत अच्छे अच्छे बकरे माशाल्लाह उनके पास. बहुत अच्छे बकरे हैं. बहुत बड़ी बड़ी सिंगल बाबा है ना जो वो जी 120 किलो 120 किलो का था. नहीं नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छे है. हम लोग की आंखें खुली की खुली देखे. बोला इतने अच्छे बकरे माशाल्लाह. और ज्यादा लोगों को पता नहीं जो आप लोग की कम्युनिटी वाले हैं उन लोगों को पता है. तो ही नहीं करते सबसे. हाँ लेकिन बहुत अच्छे बकरे माशाल्लाह. ठीक है अल्लाह उनके शौक को और आगे बढ़ाए. बोलते ना वो अलग लेवल का शौक करते हैं. वो पैसा नहीं देखते शौक में. शौक वैसे फार्म पे तुम उनका जो बकरा है उसका तुम कितना भी पैसा तो उनको नहीं बेचना तो नहीं देंगे ऐसे. ठीक है ठीक है. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. क्या नाम था इसका? सीरियस ब्लैक. अभी अभी क्या रहा है? सेवरेस्ट नहीं पा रहा उसके बाद. अभी इसके बाद इंशाल्लाह है. मेरी बात चल रही है. इसके लिए तो जगह का शॉर्टेज. इसके लिए तो निकालने का सोचा. okay, कोई मिला okay. तो दे देंगे. ब्लैक ही साने ने उसकी बात चाली. ओके ओके चलिए इसके बाद दूसरा बकरा लेके आते हैं. थैंक यू. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गोट. माशाल्लाह बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत बोर बकरा है. अलमीन भाई ये बकरे के बारे में बताएं. भाई ये मेरा जॉन है. इसका नाम मेरे जॉन भाई के ऊपर ही रखा मैंने. अच्छा ये जॉन है. जॉन भाई किधर है? इसका फेवरेट बकरा है ये. ठीक है उसके नाम पे इसका नाम रखा गया. भाई ये ना बिना सर्टिफिकेट का बोर है और ये भी मैंने एजाज भाई से लिया था क्रिस्टल गोट फार्म कोंडवा. ओके तो ये जो क्वालिटी में ना भाई सर्टिफिकेट वाले बोर भी इस क्वालिटी में नहीं आते. क्या मैं गारंटी देता हूँ. क्या है इसमें ऐसी खास बात बताया? भाई इसके झालर देखो और ये जस्ट फ्रेश दो दांत कर रहा है 70+ है. अच्छा दो दांत पे ये खाली जस्ट दो दांत फ्रेश लगाया है. बताओ तो ये बेचना है आपको? बताओ इसके दांत बताओगे जरा? हाँ यार चौथा अभी किया है. नहीं दो ही दांत है. दो ही दांत है एक्चुअली. दो ही दांत है. और सीना वीना क्या बन गया है माशाल्लाह. अच्छा एक चीज बताओ इसके वो जो है टेस्टिकल्स व्हाई दे हैंगिंग सो मच? बोर तो इतने ही होते हैं. जो शॉर्ट हाइट के बोर होते हैं उनके इतने ही होते हैं. ओके प्योर शॉर्ट हाइट का बोर है. कोई भी बोर चेक करो. बहुत अच्छा. आई लाइक द कलर. एक अलग थोड़ा डार्क कलर का आता है. हाँ. एक लाइट कलर का आता है. बहुत अच्छा है माशाल्लाह. ये दो दांत पे 70 kg आपने उधर ही बनाए क्या? रेडीमेड बन के आया कहीं? नहीं इधर ही भाई एकदम अराउंड 18 kg का था. 18 किलो पे. और कितने कौन से महीने की बात है? 18 किलो पे हो गया इसको. अराउंड 1 ईयर हो गया. एक साल में. और अभी कितना वजन कराया इसको? कराए हो वजन? 70+ है भाई. 70+ है. वेट ना अभी बहुत पहले किया था तभी इसका 70
प्लस कुछ था। बोन मी का पता नहीं चलता है, शॉर्ट हाइट रहती है, शॉर्ट हाइट रहती है, हालांकि भरे हुए रहते हैं, बहुत भरा हुआ। उसमें कहीं भी तुमको देखो ना, हर जगह से उसकी चमड़ी लटकती हुई दिखेगी। बिल्कुल। तो ये जो है 70 प्लस है अप्रोक्सीमेटली वेट, और प्योर को भी फेल कर दे आप ये कह रहे हो। मैं गारंटी देता हूं भाई, मैं गारंटी देता हूं, वो एकदम एक्सट्रीम क्वालिटी के जो लाएंगे, एक्सट्रीम क्वालिटी के जो लाएंगे वो तो नहीं है, बट जिस हिसाब से ये बिना सर्टिफिकेट के आया है ना रिजल्ट, उसका कोई तोड़ ही नहीं। कितना मांग रहे हो? मेरे इसको वहां पे ले, मैं रेट डिस्क्लोज नहीं करूंगा, कॉल कर लेना, बता दूंगा इसका। ओके ओके। नाम क्या है इसका? जॉन। जॉन। इसका नहीं रखे हैरी पॉटर के उस पे? नहीं नहीं नहीं, सीरीज के ऊपर वो उसका फेवरेट है ना। नॉन एग्जॉटिक गोट का शौक ही नहीं है क्या आपको भाई? नॉन एग्जॉटिक गोट्स का कैसा ना भाई, नॉन एग्जॉटिक में भी मैं रखता हूँ ना तो क्वालिटी का, गुजरी रखता, गुजरी अभी मेरा शौक रिसेंटली चढ़ा है, तो अभी मेरे आज सुबह में ही दो बकरे आए जयपुर से, गुजरी के बच्चे। अच्छा, जयपुर से? जयपुर तो मैं नहीं गया, ट्रेंड लेके आ गया ना गुजरी का। अच्छा, गुजरी का? हाँ, गुजरी का एक्चुअली नहीं, गुजरी तो एक्चुअली हमेशा से ट्रेंड में, जेडी वाले ने ट्रेंड जो हम कहते हैं है, वो बेसिकली पलाई है। लोग क्या करते थे, गुजरी पहले लास्ट मोमेंट पे लाके कुर्बानी करते थे, अब क्या लोग पालने लग गए, वेट गेन है ना भाई, वेट वेट, और जेडी पे माशाल्लाह कैसा रिजल्ट आ रहा है, तो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं भाई ये ब्रीड है, अच्छा बढ़ रही है। गुजरी जब अपने मोहल्ले में भी आते पब्लिक देखती है, इतना बड़ा बकरा, इतना बड़ा बकरा, इतना बड़ा कॉमन है, बट साइज में अगर आ जाते, क्वालिटी में आ जाते तो उनका साइज 100 अबव ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, 100 केजी प्लस ही होता। कोई थोड़ी, आप हट जाओ, किसी और को दे दो बकरा, कोई और पकड़ लो। जॉन भाई, जॉन भाई जरा बकरा पकड़ो, क्योंकि फिर आपका हाँ फेस आ जाएगा। जॉन भाई नीचे बैठो, चलो बैठ सकते हो, थोड़ा आड़ा करो। वैसे बोर का स्लो मोशन वगैरह बना दिया हूँ, आपने डेफिनेटली देखा होगा स्लो मोशन में कितनी अच्छी बॉडी वाला है, और ये है बकरा माशाल्लाह। और प्राइस के लिए तो आपको अलमीन भाई को ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है अलमीन भाई, अभी आपने शौक तो कर लिया, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, क्या क्या है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ, आप क्या करना चाहते हो बकरी की इंडस्ट्री में? भाई बस शौक ही करना चाहता हूँ, ऐसा मेरा ट्रेडिंग का कोई मतलब वो नहीं है, कोई नहीं, कोई भी मेरा मूड ही नहीं शौक से फार्म खोलना, ऑलरेडी मेरा ट्रेडिंग का काम तो दूसरा है, तो मैं उससे ध्यान नहीं हटा सकता। तो एक फार्म खोलना चाहोगे इन फ्यूचर? इन फ्यूचर भाई पॉसिबल। किस चीज का? अगर आपका फार्म होगा तो कैसे, फार्म से कैसे अलग होगा जो जितने फार्म से? जॉन भाई यार नल्ला जॉन निकल। अरे भाई वो बहुत ज्यादा पावर, इतनी ज्यादा, उसने रस्सी भी तोड़ दिया उसको भाई, इसको लेके जाओ। कोई नहीं, ये वी वर टॉकिंग अबाउट आपके शौक की बात कर रहे थे। हाँ हाँ। भाई भाई लड़ाओ लड़ाओ मत, लेके जाओ दूर जी। हाँ, फार्म खोलना चाहोगे आप, लोगों ने अप्रोच किया आपको, आप यहाँ पे सेटअप करते हो? सेटअप के लिए भाई बहुत सारा, बहुत सारे लोग ने किया, क्योंकि यहाँ पे लोगों को ना शौक हो नहीं पा रहे जगह की वजह। मेरे पास जगह है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे को बकरे रखने की और भी जगह मैं कर सकता हूँ, बट मेरे को मेरे जितने बकरे रह सकते हैं मैं उतने ही सेटअप पे अपना चीज रखता हूँ। तो आप जो बकरे पाल रहे हो, आपका मकसद क्या, वजन में सबसे हैवी हैवी एग्जॉटिक बनाए कि भाई वजन? मेरे को सानन सबसे हैवी, मेरा जो तुम देखे थे ना, ये मेरे को हैवी बनाना है, बट अगर मिल गया तो मैं दे दूंगा। आपने कितना बनाया सबसे हैवी कोई एक्सोटिक बकरा? नहीं भाई, मैं ऐसा तो कुछ नहीं, मैं बकरे लाता हूँ, थोड़ा दिन शौक होता था तो बेच देता था। ये सब जो मेरे पर्सनल फेवरेट्स थे ना, मैंने अभी 3 बकरे रिसेंटली बेचा हूँ, बोर था, कोटा था, और एक बरबरा, जो वो बरबरा भाई ऐसी क्वालिटी का था ना, तो वो बरबरा पता है हम देवनाथ भाई संभाल के जॉन भाई पकड़ के भाई, दो लोग पकड़, भाई आप ही पकड़ लो से कान पे लग गया है, हल्का हल्के से रैसे सारे। अलमीन भाई, हम कुछ साल पहले जब देवनार जाते थे, एक सानन भी दिख गया तो बड़ा एक्सोटिक लगता था, अभी क्या सानन की क्वांटिटी इतनी बढ़ गई और देवनार खुल नहीं रहा 2 साल से, आपको लगता है अगर ये साल देवनार खुला तो सानन की भरमार रहेगी देवनार में? पब्लिक नहीं लाएगी ना, अब कैसा हो गया ना भाई, जब से देवनार बंद हुआ है लॉकडाउन की वजह से, लोग मूव ऑन हो चुके हैं फार्म पे, तो मोस्टली लोग फार्म प्रेफर करते हैं कि भाई जगह पे बकरा आ जा रहा है सब कुछ देख कर। और जो लेने वाले लोग हैं ना भाई, जो सानन वानन में शौक करते हैं, वो लोग 19-20 पैसे का नहीं देखते, वो लोग 19-20 नहीं देखते। देवनार में जाना, वहाँ पे बहस करना, भाव करना, वो सब मेरे अकॉर्डिंग लोगों को अब नहीं समझ में आएगा, क्योंकि फार्म इतने हो चुके हैं कि लोगों को फार्म का नशा चढ़ चुका है कि भाई फार्म इजी है, फार्म इजी है, लेकिन देवनार घूमने जाएगी, घूमने बहुत चांस सबको क्या रहता है ना कि भाई देवनार चलो चांस पे कुछ मिल जाएगा। क्या है पता, अनफॉर्चुनेटली जो लोग सोचते हैं भाई देवनार खुल गया तो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी रहेगा, आज देवनार का जो मेन ग्राउंड है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गया है, घास वाला जो बाड़ा था वो चला गया, बचा क्या है, सब जा ही रहा, जगह बची नहीं है अपनी। डोंट यू थिंक गवर्नमेंट को देना चाहिए एक बड़ा सा लैंड, बोले वहाँ पे आप बकरे बेचो? जरूरी तो है ना, जरूरी है, अब लेकिन बॉम्बे में जगह नहीं है,
मुंबई में कहाँ जगह है भाई? अगर देंगे तो भी बहुत दूर देंगे, बहुत दूर देंगे, आउट ऑफ बॉम्बे ही देंगे, जैसे फार्म से अभी मोस्टली आउट ऑफ बॉम्बे में ही है, क्योंकि इन मुंबई तो पॉसिबल ही नहीं है। जॉन भाई कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, वैसे बकरे में जान बहुत है, बहुत आपका जो भी बकरा है किसी में कैची काची कुछ नहीं है, सिंग सिंगार के सब इंटैक्ट है, हेल्थ के सब बढ़िया है इसके। भाई भाई यहाँ पे नहीं आना चाहिए भाई, ठीक भाई आप पकड़ लो, आप ले लो ना, आप ले लो, नहीं 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 दीजिए, आप ले लो। जॉन भाई थोड़ी भराई आपकी भी करनी पड़ेगी, नहीं आप नहीं आओ, हैवी राइड पे डालो जॉन भाई को। चलिए वन सेकेंड, जिस किसी को भी लेना है अलमीन भाई को कॉन्टेक्ट करो, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अभी हम बताएंगे कोटा बकरा। उसने कोटा लाया है ये, अच्छा बहुत अच्छी चीज है, चार दांत अभी किया है उसने, ये चार दांत है कोटा, चार दांत किया है अभी उसने, 40 की हाइट है, 40 की हाइट है, उठाओ जरा, उठाओ उसको, हाइट थोड़ी कम होगी, 40 नहीं होगी, नापे 40 भी रहेगा, नाप के दे देंगे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, वेट का मेरे को अंदाजा नहीं है उसका, नहीं नहीं हाइट हाइट का, हाइट हाइट का तो नापा है, मेजरमेंट से नापा गया है, ओके हाइट तो नाप लेंगे, ठीक है आप कह रहे हो 40 हाइट है, मेरे ख्याल से 38 है, चलो ठीक है 38 क्या बोल रहा हूं, नाप के दे देंगे, नाप के दे देंगे, एकदम कंफर्म नहीं बोल रहा क्योंकि नापा हुआ है, क्या 19-20 नापा, वो मेरे को नहीं पता, कोई हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं बोलूंगा, जी जी, और वजन कितना होगा, 70 होगा, 60-70 के बीच में, हाँ हो सकता है ना, 60-65 के बीच, हाँ, में है, कितने दांत पे देखो, चार दांत कंफर्म, यहाँ कंफर्म कंफर्म देख लो, चार दांत, हाँ, चौथा अभी कर रहा है, चौथा अभी कर रहा है, चार फ्रेश है, हाँ, नहीं चार कर लिया है, चार कर लिया, चार कर लिया है इसने, अभी वो महीने भर वो काला वाला जो जमन था वो, और ये दोनों साथ में चार दांत, ओके ओके, और ये देना है, ये देना, ये देना है अपन को, इसका तो रेट बता दो, नहीं भाई दोस्त का मैं बता भी नहीं सकता हूँ, ठीक है, दोस्त का मैं बता भी नहीं सकता, कॉल करेंगे ना, कोटे के कोटा पालने में और एग्जॉटिक पालने में क्या डिफरेंस आपको लगा भाई? देखो दे आर डिफिकल्ट टू मेंटेन, उसकी सिंग मजबूत होती है, इसकी सिंग ना भाई कैसा है ना, कोटे को ना मोस्टली तो लोग ना बाड़े में ही रखते हैं, बट मेरे दोस्त ने ऐसा को इसको लिया ऐसा है कि इसकी सिंग बहुत मजबूत है, तो दीवार पे मारता भी है तो कुछ ऐसा इसका टेंशन नहीं, क्योंकि सिंग इसकी बहुत मोटी है, अच्छा एक्चुअली मोटी है, मोटी सिंग है तो उसका टेंशन नहीं, उसने वो देख के लिया क्योंकि साथ में ही रखना है सब बकरे, अलग अलग रखते हैं तो कोटा मोस्टली केजेस में रहते हैं सेपरेट, मेंढे और कोटे, तो आपके जो सेटअप है उसमें कैपेसिटी कितनी है? मेरा देखो भाई मेरे ना अभी फिलहाल में एक सेटअप जो है उसमें मेरे बकरे पूरे फुल है, अभी दूसरा सेटअप जो आज मेरे फुल है, कितने कैपेसिटी है? 9-10 बकरे रहते हैं, 9-10, और हमने लाए 5-6, हाँ ये बेचने वाले लेके आए अपने सारे, हाँ बेचने वाले, बाकी मेरे गुजरी जो है वो तो नॉर्मल रखा हूँ मैं कुर्बानी के लिए, और पलाई पे लेते हो आप कोई आस पास में वडाला वगैरह में किसी को पालना होगा तो? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो सब कुछ है नहीं, चलाइए थोड़ा चलाइए, ठीक है, एक एक और बकरा है वो बता देंगे एंड देन वी विल एंड द वीडियो, ये तो बच्चा ही लग रहा है मुझे, बच्चा ही है कोटा, लेकिन क्वालिटी में कोटा है, अच्छी अच्छी क्वालिटी में, बहुत अच्छे माशाल्लाह, एकदम जीरा दांत है, अभी 6 से 7 है, अदंती है ना दांत, बताए जरा, जीरा दांत है ये, ठीक है अदंत है ये, माशाल्लाह क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, और ये कोटा की जो प्योर सिंग होती है वो आए, ये भी निकालना आपको, ये भी निकालना, ये भी दोस्त का, ये मेरा नहीं है, दोस्त के ट्रेडर है, ट्रेडर नहीं है वो, लाया था शौक के लिए, बट उसको क्या ना
बोलता है मेरे को भी सानन में ही करने का है। ओके, देख देख के उसको भी। इसका भी प्राइस फोन पे, फोन पे दोस्त कहना सबका। चलिए इसका भी प्राइस फोन पे बताएंगे। सभी बकरे अच्छे, सभी बकरे अच्छे। या कुछ कह रहे हो आप? बकरे ना जो भी है, जो भी देखे ना भाई, एक्सपेंसिव है। जो था एक कम वाला 50, इसका मैंने बताया ब्लैक वाला जो 40 kg प्लस था। बाकी सब बकरे एक्सपेंसिव है, तो वही लोग कॉल करे जिनको कदर है, नॉलेज है जिनको इस चीज की कि इसका क्या प्राइस हो सकता है। माशाल्लाह सबसे बेस्ट है ये, ठीक है। मैं बहुत अच्छा बकरा है, अल्लाह इसको हयाती दे। अभी चार बात किया बाबू, नहीं भी बिका तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई अच्छी चीजें आप रखो और निकालो नस्ल भी। मतलब कम देखने मिलते हैं। मेरा पर्पज वही नहीं है कि भाई बेचना ही है, मेरे को मेरा रेट मिलेगा तो दूंगा, नहीं तो मैं रखूंगा, मेरे को कोई वो नहीं। ओके ओके, चलिए आपका नंबर क्या है, क्या नंबर डालू? आप नंबर दे दीजिए, किसको कांटेक्ट करना पड़ेगा? दोस्त है, दोस्त है, उसी का डालू? उसी का डाल दो, पूरी बात कर। ओके फाइन, चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।